स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो इन लास्ट वीडियो ऑफ सॉलिड स्टेट वी हैव कंप्लीटेड अप टू द पैकिंग एफिशिएंसी। आमे वर्तमान फोकस करछंदी क्यूबिक यूनिट सेल, कारण जो सातटा यूनिट सेल अच्छी सीटीआर एमटीआरएच ताबितर क्यूबिक रे आमे नहीं थिले तीनटा यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल रे तीनटा अच्छी, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम रे तीनटा यूनिट सेल, गोटेला सिंपल क्यूबिक, गोटेला बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, गोटेला फेस सेंटर्ड क्यूबिक। आउ जो पढ़े जे यूनिट सेलटा जो रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन हम तुम प्रत्येक फेस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल है हाफ, प्रत्येक एज कंट्रीब्यूशन है 1/4, प्रत्येक कॉर्नर कंट्रीब्यूशन 1/8 और बॉडी सेंटर कंट्रीब्यूशन है 1। तुमर जो फॉर्मूला सब आम डिस्कशन है डेंसिटी पैकिंग एफिशिएंसी सब अप्लाई करिया वर्तमान 1/1। फास्ट आम जीवा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। एटा को प्रिमिटिव भी कहवा, तुम यूनिट सेल रे आमर ऑल द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स। सबुटा कॉर्नर रे रहइबो, ऊपर ये कर्णर अच्छे तले मध्य कर्णर रही आउ तुम जान यूनिट सेल रो क्यूबिक यूनिट सेल रो ए हला जो एज लेंथ, एज लेंथ एज लेंथ रहा सब एक्सप्रेसन कर सेंटीमीटर रे, तोर पिकोमीटर हो फेंटोमीटर हो नानोमीटर हो जहाँ दे आर्म स्ट्रंग थी ताक आम रेस्पेक्टिव सेंटीमीटर कन्वर्ट करवा। आर यूनिट सेल वॉल्यूम आम पाइबा है ए क्यू, एटा समस्त कांस्टेंट क्यूबिक सेंटीमीटर। आ गोटे कथा, तुमर दीटा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जिते पाखापाखि छुईब ताकर डिस्टेंस है नेबरिंग डिस्टेंस डी, एउटे डिस्टेंस है डी, तारे डीटा जो है नेबरिंग डिस्टेंस, नेबरिंग डिस्टेंस आउ आर है रेडियस, आर है रेडियस, ताले ये भी आर सी भी आर, ताले टू आर सब वाले डी, एटा सब यूनिट सेल पाई आर हला द रेडियस, ताले दीटा आर इज इक्वल टू डी, ताले आर सब वाले इक्वल टू डी बाय टू, एटा खाली सिंपल इन रो सिंपल लो भी हबो बीसीसी हबो एफसीसी रहबो। आ एठी सिंपल क्यूबिक रे जेतु कॉर्नर कर्णरटा को आम इम्पोर्टान्स दवा, एटा जो भी ऊपर अच्छे तले मत से अच्छे मुझे गोटे नहीं कराई एटा एज लेंथ, तेल हियर एटी एज लेंथ जहाँ डी से इक्वल टू टू आर, तेल एज लेंथ इक्वल टू डी इक्वल टू है टू आर। एठी देखिबा नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल जेड, जेड है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल
केतोटा पार्टिकल रोइबो यूनिट सेल रे ना तमर सब कॉर्नर रहिला आठटा कॉर्नर 8 × 1/8 आउ तो कुआडे नाही तले रिजल्ट आला 1 तन आठटा कॉर्नर रे ईच कॉर्नर कंट्रीब्यूशन आला 1/8 तन आठटा कॉर्नर पई हला 8 × 1/8 इक्वल टू 1 ताले गुटिए आटम को आठ भाग करी प्रत्येक भाग जदि कॉर्नर रे हमें रखिबा आठटा कॉर्नर रे सेटा हे जो सिंपल यूनिट सेल तारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स जेड हला 1 इट ताले इठी जेड हला 1 एबे आराम रे हमें पकेबा डेंसिटी कैलकुलेशन करिबा यूनिट सेल लॉ सिंपल क्यूबिक सेल डेंसिटी एटॉमिक मास बाय अबाउट नंबर इनटू जेड वैल्यू वाला 1 इठी बाय वॉल्यूम ए क्यू ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर तेणु तुम्हें जदि एटॉमिक मास जान दियो तुम पचारिबो मन कर सोडियम टा सिंपल क्यूबिक सेल कला ता डेंसिटी काढो एज लेन दे देला चलो आराम रे में काटि परिया कारण आभगड नंबर आम जाचु जेड वन पाईगले एटा दे थो आटमिक मास तुम खाली एलिमेंटा दे मैंने आटमिक मास दे तुम जापर यार पैकिंग एफिसीयसी केमी बाहर करवा गोटे पार्टिकल वॉल्यूम है 4/3 पायर क्यू इंटू केतोटा पार्टिकल ये पार्टिकल है गोटे हरण ए क्यू एठी एटा हला 2R तो एटा दी 2R हला ए क्यू जगह आम लिखा 2R होल क्यू इंटू 100 यार रिजल्ट पाइबा 52.44% ताले सिंपल क्यूबिक रे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल हला गोटे तेणु केते परसेंट पैकिंग हेइचि ना 52.4% ताले फांका अछि केते ना भैकेंट अच्छी भैकेंट रही 47.6% भैकेंट तेणु पैकिंग गला 52.4 भैकेंट हम 100 रु फेट दबा 47.6% एटा ला तुम सिंपल क्यूबिक रो रिजल्ट एबे नबा आमे फेस सेंटर क्यूबिक फेस सेंटर क्यूबिक रे आमे आगे जेड बाहर करिबा फेस सेंटर क्यूबिक एफसीसी एठी कौन ना ऑल दी पार्टिकल्स आर प्रेजेंट आर कौन सेंटर्ड माने कहुची कर्नर सहित सेंटर रहिबो जेतो एटा फेस सेंटर तेणु कर्नर सहित फेस मझीरे रहिबो तेणु कर्नर रहा सहित फेसर मध्य रेणु ये फेसटा को गुरुत्व देखिए आम करवा तले जो ये जो भाया है सब फेस रेया छटा जाक फेस रेया हे तेणु ये जेड बाहर करवा तुम्हें जान आठटा कर्नर सहित छटा फेस रण फेसटा है छटा तारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल बा जेड नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल हला 8 × 1/8 प्लस छोटा फेस रहइबो 6 × 1/2 कारण ईच फेस कंट्रीब्यूशन हला हाफ रिजल्ट हला 4 कारण ऑल आर प्रेजेंट आर दि कॉर्नर एज वेल एज फेस सेंटर तेणु आठटा कॉर्नर पर 8 × 1/8 छटा फेस 6 × 1/2 कारण प्रत्येक फेसर कंट्रीब्यूशन है हाफ तेरे जेड जगह आम ना 4 आ गोटे कथा ये फेस थ्रु रे आम गुरुत्व दबा ये नेबरिंग डिस्टेंस है डी
ଫେସ ଥ୍ରୋରେ ନେବା, ଇଏ ଗୋଟେ ହେଲା ଡି, ଏଇଠୁ ଏତିକି ଗୋଟେ ଏଇଟା ଡି। ତାହେଲେ ଯେଉଁ କର୍ଣ୍ଣଟା ଆମେ ପାଇଲେ କୁଣେଇକି ଯେଉଁଟା ପାଇଲେ, ତାହେଲେ ଏଠି ଏଜ୍ ଲେନ୍ଥ ଅଛି ଏ, ଏଠି ବି ଏଜ୍ ଲେନ୍ଥ ଏ। ତାହେଲେ ଏଠି ପିଥାଗୋରସ୍ ଥିଓରମ୍ ଅନୁସାରେ ଏଇ କର୍ଣ୍ଣଟା ହାଇପୋଟେନ୍ସ ଏଇଟା ହେଲା ଏ ଏ, ଇ ହେବ ରୁଟ୍ ଟୁ ଏ। ତାହେଲେ ରୁଟ୍ ଟୁ ଏ ପିଥାଗୋରସ୍ ଥିଓରମ୍ ଅନୁସାରେ ଏ ଏ ଥିଲେ ଇଏ ହେବ ରୁଟ୍ ଟୁ ଏ, ରୁଟ୍ ଟୁ ଏ ହେଲା ଟୁ ଡି। ରୁଟ୍ ଟୁ ହେଲା ଟୁ ଡି। ଆଉ ତମେ ସବୁବେଳେ ଜାଣିଛ, ତାହେଲେ ଟୁ ଡି ଯଦି ହେଲା ରୁଟ୍ ଟୁ ଏ, ତାହେଲେ ଡି କେତେ ହବ? ରୁଟ୍ ଟୁ ଏ ବାଇ ଟୁ, ବା ଉପରେ ରୁଟ୍ ଟୁ ତଳେ ରୁଟ୍ ଟୁ କ'ଣ, ତାହେଲେ ରୁଟ୍ ଟୁ ମାନେ ଟୁ ଟୁ କଟିଯିବ, ଏ ବାଇ ରୁଟ୍ ଟୁ ହେଲା ଡି ଭ୍ୟାଲୁ। ଆଉ ଆର୍ ତ ସବୁବେଳେ ତମେ ଜାଣିଛ ଡି ବାଇ ଟୁ, ତାହେଲେ ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ ଏ ବାଇ ଟୁ ରୁଟ୍ ଟୁ। ତେଣୁ ଏଠି ଏ ଆଉ ଆର୍ ଭିତରେ ରିଲେସନ୍ ହେଲା ଏ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ରୁଟ୍ ଟୁ ଆର୍, ଏଇଟା ହେଲା ଏ। ତାହେଲେ ଏଟା ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ହେଲା ଟୁ ରୁଟ୍ ଟୁ ଆର୍। ଏବେ ଆମେ ଡେନ୍ସିଟି କାଢ଼ିବା, ପେକିଂ ଏଫିସିଏନ୍ସି କାଢ଼ିବା। ଏଇ ରିଲେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପଡ଼େ। ଡି ଦେଇଥିବ ଏ କାଢ଼, ବା ଆର୍ ଦେଇଥିବ ଏ କାଢ଼, ଏ ଦେଇଥିବ ଆର୍ କାଢ଼। ଡେନ୍ସିଟି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାଢ଼ିବା, ଡେନ୍ସିଟି ଆଟମିକ ମାସ୍ ବାଇ ଆଭଗାଡ୍ରୋ ନମ୍ବର ଇଣ୍ଟୁ ଜେଡ୍ ଜାଗାରେ ନେବା ଚାରି ବାଇ ଏ କ୍ୟୁ, ଏଟା ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ କରିବା ଗ୍ରାମ ପର କ୍ୟୁବିକ୍ ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଖାଲି ଆଟମିକ ମାସ୍ ଏ ଜଣାଥିଲେ ଆମେ ଡେନ୍ସିଟି କାଢ଼ିଦେଇପାରିବା। ପେକିଂ ଏଫିସିଏନ୍ସି ହେବ ଫୋର୍ ବାଇ ଥ୍ରୀ ପାୟାର କ୍ୟୁ ଇଣ୍ଟୁ ଜେଡ୍, ଜେଡ୍ ଜାଗାରେ ନେବା ଚାରି ବାଇ ଏ ର କ୍ୟୁ, ଏ ଜାଗାରେ ନେବା କେତେ ଟୁ ରୁଟ୍ ଟୁ ଆର୍ କ୍ୟୁ, ଏଇଟା ହେଲା ଟୁ ରୁଟ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ଶହେ, ଆର୍ କ୍ୟୁ କଟିଯିବ, ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିଦେଲେ ଆମେ ଏଠି ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବା ଏଫ୍ସିସିରେ 74%। ତାହେଲେ ଏଠି 74% ଏଫିସିଏନ୍ସି, କାରଣ ଏଠି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପାର୍ଟିକଲ୍ସଟା ଅଧିକ ରହୁଛି ଏସି ଠାରୁ, ଆଉ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ସ୍ପେସ୍ ବା ଏମ୍ଟି ସ୍ପେସ୍ ଆମେ ପାଇବା ଶହେରୁ ଫେରିଦେବା 74, ଆମେ ପାଇବା 26% ହେଲା ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ସ୍ପେସ୍, ଏଇଟା ହେଲା ଏଫ୍ସିସି। ଫେସ୍ ଓ ଥ୍ରୋରେ ମାପିବା, ସେଭଳି ବଡି ସେଣ୍ଟର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନେବା, ବଡି ସେଣ୍ଟର ଥ୍ରୋରେ ମାପିବା। ୟା ପରେ ଆସ ବିସିସି, ବିସିସିରେ କେମିତି କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବା। ଇନ୍ ବଡି ସେଣ୍ଟର ୟୁନିଟ୍ ସେଲ୍ କ୍ୟୁବିକ୍ ସେଲ୍ ବିସିସିରେ କ'ଣ ହୁଏ, ସବୁଗୁଡ଼ା ରହିବ କର୍ଣ୍ଣରରେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ରହିବ ବଡି ସେଣ୍ଟରରେ। ବଡି ସେଣ୍ଟର ମାନେ ଦେଖ, ଏଇଟା ରହିଲା କର୍ଣ୍ଣରରେ, ସବୁଗୁଡ଼ା କର୍ଣ୍ଣରରେ ରହିବ, ହେଲା ସବୁଗୁଡ଼ା କର୍ଣ୍ଣର ରହିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡି ସେଣ୍ଟର, ବଡି ସେଣ୍ଟର ମାନେ ଇଆର ଭିତରେ ତମେ ଯଦି ଯିବ, ତାହେଲେ ଏଇ କୋଣ ଏଇ କୋଣ ମାନେ ଇଆ ଭିତରୁ ପଶେଇଦେବ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି, ତମେ ଏଇଠି ବାହାରିବ ଏଇଭଳିଆ, ଏଭଳିଆ ମାନେ ଏଇଠୁ ଏଇଠୁ ପଶେଇଲେ, ଏଇଠୁ ପଶେଇଲେ ଏଠି ବାହାରିବ, ଏଇଠୁ ପଶେଇଲେ ଏଠି ବାହାରିବ, ଏଇଠୁ ପଶେଇଲେ ଏଠି ବାହାରିବ ଥ୍ରୁ ବଡି ସେଣ୍ଟର। ତାହେଲେ ବଡି ସେଣ୍ଟର ଥ୍ରୁରେ ଆମେ ଯଦି ନେବା, ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ଏତିକି ହେଲା ଟୁ ଡି, ଇଏ ଡି ଇଏ ଡି, ଆଉ ଏଇଟା ତମେ ଏ ଜାଣିଛ, ଏଇଟା ତମେ ବାହାର କଲ ରୁଟ୍ ଟୁ ଏ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେବ ଟୋଟାଲ ବଡି ସେଣ୍ଟର ଥ୍ରୁରେ ନେବା, ସୋ ହିଅର ଟୁ ଡି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ
ये रुट टू ए ये ए हेले पिथागोरस थ्योरम अनुसार ये हम रुट थ्री ए ताले डी इक्वल टू रुट थ्री ए बाय टू आर इक्वल टू डी बाय टू ताले आर हेला रुट थ्री ए बाय फोर आउ ए इक्वल टू फोर आर बाय रुट थ्री एटा ए वैल्यू आम पाई सेंटर थ्रो रे आम जीव ताले एबे आराम रे आम बाहर कर डेंसिटी हाँ सॉरी सॉरी एटी जेड ही बाहर करिया जेड आगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स ताले नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल आम जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स काढ़ पर यूनिट सेल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल हला आम पाइबा नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल आठटा कर्नर रोच एट इंटू वन बाय एट प्लस बॉडी सेंटर भितर जस्ट लाइक तुमर सीना सबुआ कर्नर कमन हे फेस कमन हे सब कमन हे तुम्हें जो आ गए मानने लोक सहित जॉइंट हम मिसीबो तुम स्किन टच हम स्टोमाक टच हेनी तेणु ये स्टोमाक भाया ये रही तेणु सेटा टा भितर कमन तो एट इंटू वन बाय एट प्लस वन रेजल्ट है दुई कारण ये है कर्नर पर ये है बॉडी सेंटर मान से ही वन तेज जेड वेल वन तेल आराम डेनसीटी आम काढ़ डेनसीटी इक्वाल टू आटमिक मास बाय एवरेज नंबर इंटु जेड जेड वेल्यू है दुई बाय ए क्यू एटा सेंटीमीटर एक्सप्रेशन हम ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर डेनसीटी डेनसीटी वाला इतनी एवं कौन काढ़ पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू फोर बाय थ्री पाई आर क्यू इंटू जेड है दुई बाय ए क्यू ए जगह आम पकेबा फोर आर बाय रूट थ्री रो होल क्यू इंटू शहे आर आर कटिजी आर आर कटिगला पर आम रिजल्ट पाइबा 68% आउ एम्प्टी स्पेस हम केते एम्प्टी स्पेस हम 32% ताले आमर पैकिंग जदि देखिबा ताले सबुठारु अधिक मोर पैकिंग पैकिंग एफिशिएंसी अधिक हला एफसीसी 74 ग्रेटर देन बीसीसी ग्रेटर देन एसी आ जेते पैकिंग हम सिस्टम रो स्टेबिलिटी अकॉर्डिंगली बढ़िबो हला एबे आमे किछिटा प्रॉब्लम करिबा जो प्रॉब्लम तुम्हारे यूजली दरकार परीक्षार पड़े से भाई किसी प्रॉब्लम तुम एग्जाम्पल दिखाई से एग्जाम्पल प्रैक्टिस कले किसी आधिया करा दरकार नहीं या भितर जो प्रॉब्लम पड़े डायरेक्ट भैल्यू दिखाई थोड़ा मानते ए दिखाई आर काढ़ काढ़ पैकिंग एफिशिएंसी टा कांस्टेंट समस्त डेनसीटा भी पचार डेनसीटे एटा दे तुम से अनुसार काढ़ी पार डायरेक्ट फॉर्मूला किसी व्यस्त होवार ना नो टेंशन प्रॉब्लम कौन मन कर तुम गोटे कंपाउंड दला जो प्रॉब्लम तुम दिखाई से गुटा बुझौती तुम गोटे कंपाउंड दिखाला एबी गोटे कंपाउंड ता फॉर्मूला काढ़ काटायन है ए आनायन है बी एटा काटायन ये है आनायन से कहि ऑल दि काटायन सार एट कर्नर्स सब काटायन कुणरे अच्छी कुणरे एंड हाफ ऑफ दि फेस सेंटर सबुआ कुणरे अच्छी मान से कहला गोटे फॉर्मूला बाहर करिबा एबी जहाँ काटायन सार प्रेजेंट ऑल दि कॉर्नर्स एंड हाफ ऑफ दि फेस सेंटर
आनायन बी रहिला इज प्रेजेंट बॉडी सेंटर एंड बॉडी सेंटर रहिला एंड एज सेंटर बीटा बॉडी सेंटर रहिला एंड एज सेंटर रहिला ताले बीटा बॉडी सेंटर एंड एज सेंटर रहिला एटा रहिला कॉर्नर्स एंड हाफ ऑफ द फेस सेंटर बीटा रहिला बॉडी सेंटर एंड एज सेंटर केमिति बाहर करिया अच्छा आगे नंबर ऑफ ए बाहर करिया एटा केमिति काढिबा ना एटा कॉर्नर रे रहिछि एंड फेस सेंटर रहिछि ताले तमे जानिछ आठटा कॉर्नर सब कॉर्नर अछि ईच कॉर्नर ला 1/8 प्लस हाफ ऑफ द फेस सेंटर तार फेस सेंटर टोटल छटा छटा जदि फेस हला तार अधाटा केते हो तीनटा तार अधाटा हला तीनटा आ प्रत्येक फेस रो कंट्रीब्यूशन हला हाफ तले हमर केते पाइले एटा तीनटा निहाला अधा फेस क्वेश्चन अछि हाफ ऑफ द फेस सेंटर आ प्रत्येक फेस कंट्रीब्यूशन हला हाफ तले 8 × 1/8 प्लस 3/2 1 प्लस 3/2 रिजल्ट हला 5/2 हला ए से बी केते पाइबा नंबर ऑफ एटम्स बी बी रहिछि बॉडी सेंटर एंड एज सेंटर टोटल धार केतटा टोटल गोटे इटा नबा लुडुगुटी नबा जो भलिया यूनिट सेल से भलिया टोटल धार हला 12टा तो एज सेंटर हला 12टा इंटू प्रत्येक एज कंट्रीब्यूशन हला 1/4 ताले बी रिजल्ट पाइले 4 ताले ए पाखर रखिबा 5/2 ए भलिया बी पाखर रखिबा 4 4टा लिखिबा 4/1 फार्मूला काढला बेले एटा एठी की गुणीबा ये एठी की गुणीबा गुणिले मु पाइली ए 5 × 8 जदि कॉमन थिबो किछि काटि दबा जदि कॉमन नाही सेटा ही फार्मूला मनकर तमर बाहर तांता ए 5 × 10 यार फार्मूला हे तांता ए बी 2 जदि कॉमन नाही हला जदि कॉमन नाही ताले जेटा सेटा ही तार फार्मूला आ गुटे प्रॉब्लम इन द कंपाउंड एक्स वाई खाली प्रत्येक रो कंट्रीब्यूशन जानले हमर हेगला इन द कंपाउंड एक्स वाई ऑल कैटायंस एक्स आर प्रेजेंट 1/3 ऑफ द कॉर्नर्स एक्स स्टार अछि 1/3 ऑफ द कॉर्नर 1/3 ऑफ द कॉर्नर एंड बॉडी सेंटर प्लस रहिछि बॉडी सेंटर ताले एक्स रहिला 1/3 ऑफ द कॉर्नर एंड बॉडी सेंटर एंड अनायन वाई रहिछि एट द फेस सेंटर माने सब फेस सेंटर रहिछि एंड हाफ ऑफ द एज सेंटर हाफ ऑफ एज सेंटर हला ताले एक्स रहिछि 1/3 ऑफ द कॉर्नर तार नंबर ऑफ एक्स बाहर करिबा 1/3 ऑफ द कॉर्नर माने कॉर्नर हला टोटल 8टा 1/3 माने 8/3 1/3 कॉर्नर माने 8/3 आ प्रत्येक कॉर्नर कंट्रीब्यूशन हला 1/8 ताले 8/3 × 1/8 प्लस बॉडी सेंटर ला 1/8 कटि गला 1/3 प्लस 1 1/3 प्लस 1 ताले कथा हो आमर अब 4/3 तले एक्स पा एक्स एक्स पा पाइले 4/3 वाई पाइबा से बढ़िया सब फेस सेंटर अछि छोटा फेस प्रत्येक फेस कंट्रीब्यूशन हाफ आउ एज कोन एज सेंटर हाफ ऑफ द एज सेंटर एज टोटल 12टा अधा एज हला केते 6टा 6 × 1/4 तले एटा हला 3 एटा हला 6/4 माने 3/2 तले एटा हला केते 9/2 एटा हला
half of the earth center ଓହୋ, ଏଇଟା ଟିକେ ମୁଁ ଲେଖା ଭୁଲ କରିଛି, ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଟିକେ ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଇଟା ଦେଖା ହେଇନଥିଲା। ସେ ଲେଖିଛି ୱାଇଟା ରହିଛି ଆର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ୱାନ୍ ଫୋର୍ଥ ଅଫ୍ ଦି ଫେସ୍ ସେଣ୍ଟର, ୱାନ୍ ଫୋର୍ଥ ଅଫ୍ ଫେସ୍ ସେଣ୍ଟର। ତାହେଲେ ୱାନ୍ ଫୋର୍ଥ ଫେସ୍ ସେଣ୍ଟର ମାନେ ଏକ ବାଇ ଚାରି ଇଣ୍ଟୁ ଛଅ ଇଣ୍ଟୁ ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ, ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହବ ୱାନ୍ ଫୋର୍ଥ ଅଫ୍ ଫେସ୍ ସେଣ୍ଟର, ଦୁଇ ତିନି ହେଲା। ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା, ତିନି ବାଇ ଚାରି ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍, ତିନି ବାଇ ଚାରି ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ହେଲେ ତିନି ବାଇ ଚାରି ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ବାଇ ଟୁ, ତିନି ବାଇ ଚାରି ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ଟା କେତେ ରହିବ ଚାରି, ହେଲେ ଏଇଟା ତୁମର ଆସିଗଲା ୱାନ୍ ଫୋର୍ଥ ଅଫ୍ ଫେସ୍ ସେଣ୍ଟର। ୱାନ୍ ଫୋର୍ଥ ମାନେ ଛଅଟା ଫେସ୍, ଛଅଟା ଫେସ୍ରେ ଆମର ରହିଲା ହାଫ୍, ହାଫ୍ ମାନେ ଟୁ ବାଇ ଥ୍ରୀ, ଏଇଟା ରହିଲା ଥ୍ରୀ ବାଇ ଫୋର୍। ତାହେଲେ ଏଇଟା ରହିଲା ଥ୍ରୀ ବାଇ ଫୋର୍ ହେଲା, ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ଥ୍ରୀ ବାଇ ଫୋର୍ ହେଲେ ଆମର ଆସିବ ରେଜଲ୍ଟ ସେଭେନ୍ ବାଇ ଫୋର୍, ଏଇଟା ଆସିଲା ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ବାଇ ଟୁ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମର ଲସ୍ ଆଗକୁ ଆସିଲା ଚାରି, ସେଭେନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟା ହେଲା ଦୁଇ ଦିନ ଚାରି ସାତ ଚଉଦ ବାଇ ଚାରି। ତେଣୁ ଏକ୍ସ ଜାଗାରେ ନେବା ଚାରି ବାଇ ଥ୍ରୀ, ୱାଇ ଜାଗାରେ ନେବା ଚଉଦ ବାଇ ଚାରି, ଏଇଟାକୁ କ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ କରିବା, କମନ୍ ନେଇକି ରଖିବା, ଏଇଟା ହେଲା ତାର ଫର୍ମୁଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଏ ମେଟାଲ୍ କ୍ରିଷ୍ଟାଲାଇଜ୍ ଇନ୍ ଏ ବିସିସି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ମେଟାଲ୍ଟା ବିସିସି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନେଲା, କାଲକୁଲେଟ୍ ଦି ରେଡିୟସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଆଟମ୍ ଇଫ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏଜ୍ ଲେନ୍ଥ ଇଜ୍ 280 ପିକୋମିଟର, ମାନେ ଏଜ୍ ଲେନ୍ଥ ଦେଇଦେଲା ଏଟା 280 ପିକୋମିଟର, 280 ପିକୋମିଟର ମାନେ ଏଜ୍ ଲେନ୍ଥ 280 ପିକୋ ମାନେ 10^-12 ମାଇନସ୍ 12 ମିଟର, ଏଇଟାକୁ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆମେ କରିବା ହେଲା, ଏଜ୍ ଲେନ୍ଥ କାଲକୁଲେଟ୍ ଦ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ୟୁନିଟ୍ ସେଲ୍, ନମ୍ବର ଅଫ୍ ୟୁନିଟ୍ ସେଲ୍ କାଢ଼ିବା ଇନ୍ 0.1 ମିଟର କ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଦି କ୍ରିଷ୍ଟାଲ, ମିଟର କ୍ୟୁବ୍ ଅଫ୍ ଦି କ୍ରିଷ୍ଟାଲ। ତେଣୁ ଆମର ଏଇଟା ଦେଇଛି ମାନେ ପ୍ରଥମେ, ତାହେଲେ 280 ପିକୋମିଟରଟାକୁ ଏଇଟା ଲେଖିବା 2.8 ଇଣ୍ଟୁ 10^8, ଆମେ ତା ସେଣ୍ଟିମିଟର କନଭର୍ଟ କରିଦେଲେ। ଆଉ ତୁମର ବିସିସିର ଜାଣିଛ ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ରୁଟ୍ ଥ୍ରୀ ଏ ବାଇ ଫୋର୍, ତାହେଲେ ରୁଟ୍ ଥ୍ରୀ ଏ ବାଇ ଫୋର୍ ମାନେ ତୁମର ଏ ଭ୍ୟାଲୁଟା ଦେଇଛି, ତେଣୁ ଆର୍ ଭ୍ୟାଲୁଟା ତୁମେ ପାଇଯିବ। ଆର୍ ଭ୍ୟାଲୁ ପାଇଗଲା ପରେ, ଆର୍ ଭ୍ୟାଲୁଟା ପାଇଗଲ, ଆର୍ ଭ୍ୟାଲୁଟା ତୁମେ ପାଇଗଲା ପରେ, ତାପରେ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ୟୁନିଟ୍ ସେଲ୍, ନମ୍ବର ଅଫ୍ ୟୁନିଟ୍ ସେଲ୍ ହେଲା, ନମ୍ବର ଅଫ୍ ୟୁନିଟ୍ ସେଲ୍ ଆର୍ ଭ୍ୟାଲୁ କାଢ଼ିଲେ କାଢ଼ିବ, ନହେଲେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଦେଖ, କାରଣ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ୟୁନିଟ୍ ସେଲ୍ ମାନେ ସେ କହୁଛି ଟୋଟାଲ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ଟା ଦେଇଦେଲା, ତୁମର ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଅଫ୍ ୟୁନିଟ୍ ସେଲ୍ ଦେଇଦେଲା 0.1 ମିଟର କ୍ୟୁବ୍। ତାହେଲେ 0.1 ମିଟର କ୍ୟୁବ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୟୁନିଟ୍ ସେଲ୍ର ଭଲ୍ୟୁମ୍ ହେଲା 2.8 ଇଣ୍ଟୁ 10^-, ଏଇଟା ମିଟର କରିଦେବା, ମାଇନସ୍ 10 ମିଟର କ୍ୟୁବ୍, ତାମାନେ ମୋର କେତେଟା ୟୁନିଟ୍ ସେଲ୍ ରହିଛି, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ୟୁନିଟ୍ ସେଲ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ୟୁନିଟ୍ ସେଲ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ୟୁନିଟ୍ ସେଲ୍ ବାହାରିବ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଟୋଟାଲ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଯାହା ଦେଇଥିବ ହରଣ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଅଫ୍ ୟୁନିଟ୍ ସେଲ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ୟୁନିଟ୍ ସେଲ୍ର ଭଲ୍ୟୁମ୍।
ताले टोटल वॉल्यूम रे यूनिट्स माने कर मु कहिली ए बाल्टी भितरे केतोटा बॉल धरिवो जो पैकिंग अफिस पढ़ाऊ तार बाल्टी भितर केतरा बॉल धरिय माने बाल्टीर टोटाल केते वॉल्यूम तुमर देइची हरण प्रत्येक बॉल वॉल्यूम टाक जदि आमे डिवाइड कर दवा तार आमे जान दवा केतरा बॉल ता भितर रहइबो एटी से भलिया टोटाल नंबर ऑफ यूनिट सेल माने टोटाल वॉल्यूम टा केते देइची हरण वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल एटी कर देला आमे टोटाल नंबर ऑफ यूनिट सेल पाई जिबा हला so this part is your type of unit cell cubic unit cell type kete ache हला या पर हमरो स्टार्ट हबो जो हमरो पैकिंग जो पार्टिकुलरटा हमें मन कर भाबीबा ए पार्टिकुलरटा यूजली स्पेरिकलिन शेप जदी स्पेरिकलिन शेप हला ताहले एटा केमिति पैकिंग हबो सो या पर हमें डिस्कशन करिबा क्लोज पैकिंग ऑफ सॉलिड क्लोज पैकिंग ऑफ सॉलिड सॉलिड टा केमिति क्लोज पैकिंग होउछि क्लोज पैकिंग ऑफ सॉलिड एक्चुअली आमर क्रिस्टलाइन सॉलिड रे आम तो जहाँ पढ़ु क्रिस्टलाइन सॉलिड द अरेंजमेंट एक्चुअली इन थ्री डायमेंशनल वे रे एक्चुअली अरेंजमेंट हुए तेणु थ्री डायमेंशनल वे तो आम हटात करें कारण आमे थ्री डायमेंशनल को रिप्रेजेंट करि परियानि कारण आमे जहाँ खातारे करिबा बा बोर्डरे करिबा सेटा टू डायमेंशनल तेणु थ्री डायमेंशनल वे रे पैकिंग टाकु बुझिया पाई आमुक एक्चुअली वन डायमेंशनल जिबाकु पडिबो वन डायमेंशनल तापरे टू डायमेंशनल तापरे आमे सेटाकु नै कि भाबिबा केमिति हबो टू डायमेंशनल पैकिंग आ मन रख पिला माने आमर पैकिंग टा जते इफेक्टिव हबो जत्ते कम स्पेस आमे पाइबा द स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस सो मोर इज द पैकिंग लेस इज द वैकेंट स्पेस और भॉयड से शून्य स्थान को भॉयड कहंती जत्तेबेले पैकिंग हबो मन कर एई बले आमे पैकिंग करिबा स्फीयर अडा एई जो फांका जागा अडा एउडा कहंती भॉयड बा शून्य स्थान भॉयड से कोन कहूची जे मोर इज दि पैकिंग मोर इज दि स्टेबिलिटी और लेस इज दि भॉयड कि पैकिंग अधिका ने भॉयड कमिब ताले मोर इज पैकिंग जेते पैकिंग अधिका रहिब लेस इज भॉयड भॉयड आमर कमिब एंड मोर इज स्टेबिलिटी तुमर स्टेबिलिटी से अनुसार बढ़ तेणु जिते पैकिंग हम भयड सते कम स्टेबिलिटी सते बढ़ भयड है फांका जगा आगे आम देखा टू डायमेंशनल ना थ्री डायमेंशनल पैकिंग डायरेक्ट आम कहीपर ना तेणु वन डायमेंशनल बुझी बुझिकी आमको जवाक पड़ तेणु आगे आम देखा वन डायमेंशनल पैकिंग केमी होणु वन डायमेंशनल पैकिंग रे आम कौन करवा ना वन डायमेंशनल पैकिंग रे गोटे डिरेक्शन आम नवा तभी स्पीयर टा आम गोटे डायमेंशन सजाइबा जो थे कि इच स्पीयर टचेस प्रत्येक स्पीयर दीटा को टच कर इच स्पीयर
कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर पुनी कौन ना कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर है कौन ना प्रत्येक स्पीयर केतटा पखापाखी स्पीयर को टच करी, तेणु गोटे स्पीयर दीटा को टच कर कोऑर्डिनेशन नंबर है दुई, तेणु कोऑर्डिनेशन नंबर दुई सी एन है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर माने हला केतटा एडजेसेंट साइड पखापाखी केतटा अच्छे, तेणु ये दुईटा स्पीयर टच करछि कोऑर्डिनेशन नंबर है दुई। तापरे वन डायमेंशनल को लेकिन आम टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग करिबा, टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग एक्चुअली आमर दी प्रकार वेयर हम है मान एटा गोटे डायमेंशन गोटे डायरेक्शन है आम अलग आउ गोटे डायरेक्शन हवा, टू डायमेंशनल टा दी प्रकार वेयर हम कौन ना गोटे है मनकर ये ए लेयर, यहाँ है गोटे ए लेयर, यहाँ ए लेयर वन डायमेंशन ले, टू डायमेंशन ए लेयर माने यही सब स्पीयर को यहाँ स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्क्वायर एससीपी टू डायमेंशनल, टू डायमेंशनल माने यहाँ गोटे लेयर एमती ना पुणी ये लेयर तौल को ना है टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। देख मझीरे जो फांका जगह देखा जा ये फांका जगाटा स्क्वायर भाया देखा जा तेणु यटा को कहती स्क्वायर क्लोज पैकिंग, तेणु यहाँ स्क्वायर स्पेस तेणु यहाँ कह स्क्वायर क्लोज पैकिंग, तेणु यही आमर रोच तेणु भाया गोटे एल एयर यही पुणी गोटे रल एयर यही रही भाया आमर मान सब डिरेक्शन तलू ऊपर को मान रो वाइज बटम वाइज यही आमर चल एल एयर आउ स्पेसटा तुम्हें पाइब कौन स्क्वायर स्पेस। आउ यार टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग रे कोऑर्डिनेशन नंबर केते ना प्रत्येक स्पीयर आमर यूजुअली केतटा स्पीयर को टच करिवो ना प्रत्येक स्पीयर चारिटा को आमर टच करिवो, तेणु कोऑर्डिनेशन नंबर है चारि हला। सो दिस लेयर ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड तेणु स्क्वायर क्लोज पैकिंग रे अरेंजमेंट कह ए ए ए ए टाइप टाइप रो अरेंजमेंट हला। आउ थ्री डायमेंशनल मन रख पिला माने मु एटा जो कली एटा जो एमिति कली हला तमे एटा को गुटिए लेयर बोली भाबिवो, एटा टू डायमेंशनल जो हे गला एटा कंप्लीट गुटिए लेयर बोली भाबिवो हला, एटा ला गुटिए लेयर एमिति फ्लैट हे रहइबो ऊपर एमिति फ्लैट हे रहइबो हला नहीं एटा गुटिए लेयर माने स्क्वायर क्लोज पैकिंग रे। आ गोटे देखा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग रे गोटे रहा एल एयर एमती गोटे लेयर एमती रहा हला, आ गोटे लेयर पिला माने एंकर डिप्रेशन रहइबो, डिप्रेशन माने एंक मझीरे तेणु एटि पाइबा आम गोटे ट्राइगुनाल भयड, एटि स्क्वायर भयड पाइले एटि भयड पाइबा ट्राइगुनाल हला, एई भलिया आमर टच हबो ट्राइगुनाल भयड हला। बहिरु भी देखिबा एटा बढ़िया देखा ए लेयर एटा ला बी लेयर पुणी पाइबा ए लेयर जो भलिया पुणी से भलिया रहइबो गोटे लेयर ए लेयर एई भलिया गोटे रहइबो हला हला, तेणु ए एडा सब ट्राइगुनाल भयड सब आसिबो। एटि कोन देखिबो तमे वेरी इंटरेस्टिंग एठी देखिबो गुटिए भयड केतुरा को टच करी ना गुटिए भयड यूजुअली छटा को टच करी, गुटिए भयड बा गुटिए सॉरी गुटिए स्पीयर गुटिए भयड तो तीन टा को टच करी, एठी भयडटा तीन टा को टच करी किंतु स्पीयर रो कोऑर्डिनेशन नंबर गुटिए स्पीयर केतुरा टच कला एक दुई तीन चार पांच छ, तेणु स्पीयर रो कोऑर्डिनेशन नंबर है छ। एटा कहवा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, तेणु शुण एटा पूरा जो एबी एबी हो गला एटार एटा हला एबी एबी टाइप, तुम्हारा जो एटा हला एबी एबी टाइप हला एटा टोटल थ्री डायमेंशनल ले पूरा गुटिए लेयर हो जो एटा पूरा गुटिए लेयर हला नहीं एटा पूरा हबो गुटिए लेयर
तेणु यह स्क्वायर क्लोथ पैकिंग है हेक्सागोनल क्लोथ पैकिंग है यह आम कौन करवा ना आम थ्री डायमेंशनल क्लोथ पैकिंग करवा तेणु आगे एतिकी तुम भल भाव पढ़िकी सर यापर आम थ्री डायमेंशनल क्लोथ पैकिंगटा डिस्कशन करवा है तेणु तुम भल भाव यटा को पढ़व पढ़ी भल भाव बुझे तापर आम स्टार्ट हम थ्री डायमेंशनल क्लोथ पैकिंग चलो आउ थ्री डायमेंशनल क्लोथ पैकिंग डिफेक्ट्स है रहा तेणु आमर नेक्स्ट वीडियो रु आम करवा थ्री डायमेंशनल क्लोथ पैकिंग सो टिल देन गुड बाय थैंक यू।